अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में रायपुर देश के किसी राज्य की पहली राजधानी है जहां इतना लंबा लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। सरकार ने यह फैसला राजधानी में एक दिन में 2000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद लिया है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो राजधानी रायपुर में 26 लोगों की जान संक्रमण से गई। राजधानी में पहली मौत 29 मई को हुई थी। इस हिसाब से 312 दिनों में रोजाना औसतन 3 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब तक के सबसे भयावह दौर में पहुंच गई। हम रुक करेंगे इस खबर पर। ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए सीधा ग्राउंड जीरो से राजधानी रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, कल भी हमने बात करी थी और अब तो कुछ चंद घंटे ही रह गए हैं, राजधानी पूरी तरह से 10 दिनों के लिए लॉक हो जाएगी। किस जगह पर आप मौजूद हैं, लोगों का क्या कहना है और प्रशासन की क्या तैयारी है लॉकडाउन को लेकर? देखिए, प्रशासन ने अपनी ओर से आदेश जारी कर दिया है और क्योंकि दो दिन का समय मिला था इसलिए लोगों में पहले दिन काफ़ी खरीदी को लेकर उत्सुकता देखी गई थी और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपनी खरीदी पूरी करना चाहते थे, इसीलिए पहले दो दिन काफ़ी बाज़ार में भीड़ देखी गई। आज क्योंकि शाम से लॉकडाउन लग जाएगा तो इसके लिए लोग मन बना चुके हैं और प्रशासन ने जैसे कि पहले ही तय किया है कि 3 प्रमुख आवश्यक सुविधाओं को छोड़कर सारी चीज़ें बंद होंगी। तो सब्ज़ी के भी बंद, बाज़ार भी बंद होंगे, केवल दूध सुबह मिलेगा, पेट्रोल की दुकानें खुली रहेंगी और मेडिकल सेवाएं शुरू रहेंगी। तो इस तरीके की गाइडलाइन का पालन आज शाम से होना है और ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि राजधानी रायपुर में लगातार केसेस की संख्या 3000 को छू चुकी थी। अभी कल के जो आंकड़े हैं वो 2300 के आसपास हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर केसेस और संक्रमण बढ़ने के जो वजह है उसे रोकने के लिए लॉकडाउन काफ़ी ज़रूरी है और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो आज से ये जो नियम है लॉकडाउन का वो लागू हो जाएगा। आज शाम से 6 बजे से सारी दुकानें बंद रहेंगी जो कि 19 तारीख तक रहेंगी। इस दौरान नवरात्रि का त्यौहार भी रहेगा। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए राजधानी को 10 दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है और कोशिश सरकार की यह है कि जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इलाज मुहैया कराया जाए, इसलिए कोविड हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाने के दिशा में सरकार काम कर रही है और उसे इन सब के लिए समय चाहिए। इसीलिए लॉकडाउन लगाकर जो सारा तंत्र है उसे सुविधाओं के विस्तार में लगाने की सरकार की कोशिश है और इसीलिए सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। जी चलिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे मोहन, बातचीत के लिए शुक्रिया। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि प्रशासन ने जरूर अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है लेकिन गाइडलाइंस भी जारी की है और लोगों से भी अपील की है संक्रमण की चेन को तोड़ना है। कोरोना जिस तेजी और रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है उसे रोकना, ब्रेक लगाना, यही प्रशासन की कोशिश है।